हाँ जी, वेलकम बैक। कहीं कुछ खूबसूरत ॻाल्हियुनि जे तरफ़ वञूं था, या जो खूबसूरत ॻाल्हियूं बेशक त प्रोग्राम में थियण वारियूं आहिनि। सभिनी खां पहिरीं त मां स्टार्ट हितां करणु चाहियां थी, बिकॉज़ जेको असां वटि सीज़न हली रहियो आहे, उन हर सीज़न जे हिसाब सां हिकु नई हिकु लहर हूंदी आहे जेका ज़िंदगी में चेंज थींदी आहे। सारा साहिबु, आपकी तरफ़ आना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जो सीज़न चल रहा है, जैसे आपने पानी से एक तो पानी से शुरुआत की, उसके साथ साथ भी पानी भी पी लिया, सब कुछ भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आज भी वो स्किन की इशूज़ हमें जो जो गर्मी नज़र आ रही है, और उन लोगों के लिए जिनको आदत नहीं है गर्मी में रहने की, उन लोगों के लिए सबसे पहले तो स्किन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जितनी भी ख्वातीन देख रही हैं इस वक्त वो बड़ी कंसर्न होंगी कि हमारी स्किन को कैसे हेल्दी रखा जाए। स्टार्ट करें स्किन से, तो क्या रेगुलर ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए हमारे हमारी रूटीन में कि हमारी स्किन इस गर्मी से बची रहे? अच्छा, सबसे पहले बात तो फिर वही आ गई कि पानी का इनटेक, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जैसे अगर बॉडी से नमकियात कम हो रहे हैं तो स्किन से भी मिनरल्स जा रहे हैं, पानी का इनटेक है। दूसरी चीज़ वो आ गई कि अगर आप कैल्शियम रेगुलर बेसिस पे, आजकल बच्चियाँ दूध नहीं लेती, जी दही नहीं खाती, जूसेस भी वही वाले मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, हाँ कैल्शियम यूज़ कर लें। उसके अलावा ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं आप खुद भी अपने सैलून पे भी बच्चियाँ जब आती हैं उन्हें फर्दर मार्केट प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने की बजाय मैं उन्हें कहती हूँ कि आप बेसन का यूज़ करें अपने हाँ फेस को नीट क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर ऑयल आएगा तो एक्नी आएगी, और बिल्कुल अगर एक्नी आएगी तो स्कार्स आएंगे बिल्कुल और स्किन ड्राइनेस की तरफ भी जाएगी, और सगी स्किन तो और जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही अच्छी होती है। नहीं लगती। तो ट्रू। सिंपल रेमेडी यही है कि आप फेस वॉश को स्किप करें, किसी भी ब्रांड को स्किप करें, हाँ नॉर्मल अपने पाम में बेसन लें, उसको सोप की तरह मल्सीफाई करें, करके उससे अपना फेस वॉश करें। फर्स्ट जो आपका डे स्टेप होगा वो ये होगा। सही। पानी के बाद हाँ आप अब पूरा दिन देखेंगे कि आपके फेस पे ऑयल कितना आ रहा है, कितना बैलेंस है, कितना कंट्रोल चल रहा है। दूसरी चीज़ फिर वही आ गई कि मैं ज़्यादातर रेमेडीज इसलिए रेकमेंड कर रही होती हूँ कि वो इजी टू बाय है, किचन में ऑल द टाइम वो चीज़ें हमारे अवेलेबल रहती अवेलेबल हैं। होती हैं। सही। टमाटर इस वक्त बेस्ट रेमेडी है स्किन के लिए, ग्लो के लिए, फेयरनेस के लिए, वाइटनिंग के लिए। एक तो उसमें सिट्रिक है, ब्लीचिंग एलिमेंट है, जो बच्चियां आजकल कह रही होती है हमें गोरा होना है गोरा होना है, और बेस्ट सन ब्लॉक भी है टमाटर में। अच्छा, जबरदस्त। उसको सेंटर से कट करें, फ्रीजर में 2 से 3 मिनट्स के लिए आप रख दें, उसके बाद फेस पे मल्सीफाई करें, दैट्स इट, उसको छोड़ दें, ऐसे ही वॉश नहीं करें। आपको कहीं पे भी जाना है, आप अपना रेगुलर क्रीम यूज कर रहे हैं, फिर कहूँगी अगर धूप में जा रहे हैं तो लेस केमिकल्स, क्योंकि वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं कुछ हार्श केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू स्किन नहीं जा रहे होते। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ब्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, हाँ कि इसने मोस्टली लगा लिया, उसने वो लगा हाँ लिया, ये उसने वो मसला लगा है लिया, हमारे वो पेड होते हैं, पेड कंटेंट जो है ना वो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बता रही होती है। बच्चियाँ क्या करती हैं आजकल, ज़्यादातर ब्लॉगर्स को फॉलो कर रही हैं, तो वो ये होता है कि अभी भी लास्ट ये जो ईद गुजरी है चांद रात पे, मैं बच्चों को डीप क्लिनजिंग कहती हूँ, लाइक 15 से 16, उससे पहले आपको फेशियल नहीं करना। फेशियल पे फिर बात करते करते इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। हाइड्रा फेशियल जो है आफ्टर 20+ है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए नहीं है, और हाइड्रा एक जो है एस्थेटिक जो है स्किन का वो करने वाला, उसका बिल्कुल ऑथेंटिक करेगा, ना कि गली मोहल्ले के हर सैलून में हाइड्रा मशीन रखी हुई है, आने वाले कस्टमर को नहीं पता कि उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो लिक्विड में होना चाहिए, वो क्रीम में होना चाहिए, या उसकी ड्यूरेशन क्या है। लेकिन ये कि वो हाइड्रा रखा हुआ है, वो 8000 चार्ज कर रही है, भरा उसने उसमें पानी हुआ है, आपको कुछ भी नहीं पता कि वो आपकी स्किन के साथ क्या क्या हो रहा है। वो पहले बाकी सही बात है, पानी लगा दे क्या फर्क पड़ेगा। आजकल तो मोबाइल हमारे पास चलता फिरता डिवाइस है, पहले हाँ तो ये था टीवी ऑन करें, चीजें देखें, सीखें, लेकिन यूट्यूब के अलावा भी आप गूगल करें, अपनी स्किन के बारे में भी, अपने फेस के बारे में, अपने हेयर्स हाँ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, फिर आप उस चीज को ऑन हैंड करें। हाँ अदरवाइज जब तक आपके पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं करें, नहीं करें। ठीक है जी, तो शुरुआत तो असां इहे ज़िंदगी जेका असां अॼोकी जेका ज़िंदगी हली रही आहे उन में शुरूआत त असांखे ईअं करणी आहे। आहिस्ता आहिस्ता इनशाला काफ़ी सारनि प्रोसीजर्स ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ज़िंदगी जो हिकिड़ो ॿियो हिसो, जीअं मूं पहिरीं चयो त हीअ जेके ॿ हिसा आहिनि ज़िंदगी जा ॾाढा ज़रूरी आहिनि, स्पेसिफिकली असांजी ख़वातीन जे लाइ, उन्हनि नियाणियुनि जे लाइ जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहियूं आहिनि। एजुकेशन अगेन एक ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा है जिसको आप
चाहे ना चाहे आप अपनाते हैं और उसको अपनाने से आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जिस लैंग्वेज के साथ आज हमारे बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, उस लैंग्वेज की नज़र से आप एजुकेशन कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन है क्या, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि एजुकेशन क्या है। हमारे नज़दीक जो है एजुकेशन वही है कि हमारा बच्चा जो है अब 3 इयर्स का हो गया है, 4 इयर्स का हो गया है या 2 इयर्स का हो गया। अभी तो माशाल्लाह हमारे स्कूल्स वाले ऐसे हो गए कि वो कहते हैं 1.5 का भी हो गया है तो उसे स्कूल भेज दें। बिल्कुल, तो बच्चे को इतनी छोटी एज में पहली बात है कि स्कूल भेजना नहीं चाहिए। 7 इयर्स तक तो बच्चे की जो है ना माइंड प्रिपेयर ही नहीं होता कि वो स्कूल की चीज़ों को जो है ले सके। एनी वेज, फिर भी मैं कहूँगी कि मेडिकली 3.5 के बच्चे को आप स्कूल भेजें, ताकि वो बच्चे जो है वहाँ पर थोड़ा खेले, बच्चों के साथ जो है वो मिंगल होकर अपने जो है गेट टुगेदर करें। तो एजुकेशन को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझते हैं कि एजुकेशन यही है कि स्कूल भेज दिया जाए, कॉलेज भेज दिया जाए, यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद एजुकेशन ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई, बिल्कुल। एजुकेशन हमारे पास जो है 3 टाइप्स हमारे पास एजुकेशन की होती है, जो हमारी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। हाँ। तो एजुकेशन हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। हमारे पास जो सिर्फ डिग्री एजुकेशन है। जी जी जी, हमें नाम ही नहीं पता ना, बेसिकली अवेयरनेस नहीं है हमारे पास ना। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन जिसके अंदर है हमारे पास, वो हमारी जो डिग्रीज है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आती है। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी जो घर की तालीम होती है कि बच्चियों को सिखाया जाए कि उन्हें बैठना किस तरीके से चाहिए, अगर कोई मेहमान आता है तो किस तरीके से बात करना है, बाहर वाले से कैसे करना है, घर वाले से कैसे करना है। अभी जैसे हमारे पास मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि बच्चियों के साथ मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा है एजुकेशन से हूँ, तो मेरे पास हर एज की बच्चियाँ जो है पढ़ने के लिए आती हैं। तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो एजुकेशन के साथ साथ मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम कर रही होती हूँ। तो बच्चियों की आजकल जो देखने में आ रहा है जो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अगर एजुकेशन ही नहीं है बच्चियों को, बहुत सारी बच्चियों उन्हें अपनी सफाई का नहीं पता होता, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता होता कि अपनी पर्सनालिटी को हमने किस तरीके से मेंटेन करना है। हर एक पढ़ा लिखा बंदा सामने वाला वो डिमांड करता है, अब वो चाहे लड़के हों या फिर फीमेल्स हों। जो एजुकेशन जिसके पास है वो अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से डिमांड करता है कि भाई उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। जब वो पर्सनालिटी पे पूरा नहीं उतरता तो फिर जो है चीजें इस तरह की चीजें सामने दूसरी तरफ जा रही होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन भी हासिल करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम पेरेंटिंग पर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको जो है तालीम देने की जरूरत होती है, घर के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा जो है नॉन फॉर्मल के अंदर हम जो है स्पोर्ट्स आ जाते हैं, म्यूजिक आ जाता है, रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन आ जाती है, ये तमाम जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई, मुझे ऐसा लगता है पूजा साहिबा, शायद हम उन नामों को लोगों के जहनों में नहीं डाल सके, लेकिन बेसिकली आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ 4 लफ्ज़ लेके घर नहीं आएगा जी। वो जो आप एक डेकोरम आप उसको सिखा रहे हैं ना कि सुबह उठना है, टाइम से पढ़ना है, तो हम इनडायरेक्टली उनको वो जो एक स्केड्यूल है वो हम उनको दे रहे हैं, लेकिन मसला यही है कि उस स्केड्यूल को भी हमने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही साइड पे रखा है। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए ना कि हमने बच्चे को बर्डनाइज करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल भेज दिया, 5 घंटे 6 घंटे बच्चा स्कूल में गुजार के आ गया, उसके बाद उसको ट्यूशन दे दी 2 घंटे की, उसके बाद बच्चा जो है वो अगर रिलीजन पे अगर काम कर रहा है, कोई एजुकेशन जो है वो ले रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना हो गया, तो उस तरह बच्चा इतना टायर्ड हो जाता है बेचारा, खेलने के लिए भी उसको आधा घंटा मिलता है, उसके बाद फिर कहते हैं कि 8 बज गए बेटा, खाना खाओ और सो जाओ।